दूसरे दिन फिर यूहन्ना अपने दो शागिर्दों के साथ वहां खड़ा था जब उसने यीशु को जाते देखा। ये खुदा का बरा है। दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा। तुम क्या ढूंढते हो? आप कहां रहते हैं? ए रब्बी। इस लफ्ज का मतलब है उस्ताद। आओ और देख लो। और ये दसवें घंटे के करीब था। बस वो उसके साथ आए और देखा कि वो कहां रहता है और दिन का बाकी हिस्सा उसके साथ गुजारा। उनमें से एक शमून पतरस का भाई, इंद्रयास था। हमको मसीहा मिल गया। इस लफ्ज का मतलब है मसीह। तब वो शमून को मसीह के पास ले गया। और मसीह ने उस पर निगाह की। तू यूहन्ना का बेटा शमून है, लेकिन तू कैफा कहलाएगा। कैफा और पतरस का मतलब एक ही है, यानी चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का फैसला किया। उसने फिलिपुस को पाया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस इंद्रयास और पतरस के शहर बैत सैदा का रहने वाला था। फिलिपुस नितिनैल से मिला। हमें वो मिल गया जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में किया है और जिसके बारे में नबियों ने भी लिखा है। वो यीशु है, यूसुफ का बेटा, जो नासरी से है। क्या नसीरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? आप ही चल के देखिए। जब यीशु ने नितिनैल को अपनी तरफ आते देखा तो उसके हक में कहा, ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें कोई मकर नहीं। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तुझे देखा इससे पहले फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था। इसराइल का बादशाह है, क्योंकि मैंने तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। क्या तू इसीलिए ईमान लाया? तो उनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। तू आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते हुए देखेगा।